बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर अलैहि सलातो व सलाम और उनकी आल पर। प्यारे भाइयों, मैं गुलाम जिलानी एक बार फिर अबू ज़ैबी मुसफ़ा नंबर 32 में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकान के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बगैर किसी देर के आपको मिलती रहे। तो आज नबातुल खैर किचन में बन रहा है मटन पुलाव। मटन पुलाव सेकंड टाइम में यहाँ पे अलग बनता है, फ्रेश बनता है, और फर्स्ट टाइम में अलग बनता है। तो अभी तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम है, तो मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो आपको दिखा सके। आज मटन पुलाव की रेसिपी मुकम्मल आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये बनाया जाता है। ये अभी प्याज जो है ना ब्राउन हो रहे हैं, इसमें लाल मिर्च सूखी हुई डाली है और इसमें कच्चा मसाला डाला हुआ है जिसमें ज़ीरा, लौंग, दालचीनी और जो भी कच्चे मसाले में आइटम आते हैं वो डाले हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि प्याज जो है ना ये ब्राउन हो रहे हैं, तो अभी जो हमारे उस्ताद हैं जिसको बना रहे हैं उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। आलू इमली भी इसमें डाली हुई है, तो उनसे पूछेंगे कि कौन कौन सा मसाला इसमें डाल रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। तो थोड़ी सी उनसे भी बात हो जाएगी ताकि आपको पता चले कि इसकी रेसिपी कैसी है। और सबसे बड़ी बात जो है मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ फेमस जो है ख़ासकर मुसफ़ा नंबर 32 में जितने भी किचन और रेस्टोरेंट हैं, तो यहाँ पुलाव बहुत ज़्यादा लोगों की मांग है पुलाव की, और पुलाव बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं महार मोहम्मद यूनिस सियाल भाई, तो उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं कि इसके बाद वो क्या डालेंगे इसमें। तो जी उस्ताद जी, चावल प्याज जो हैं ये ब्राउन हो रहे हैं, मसाले भी जो आपने डाले हैं मैंने अपने नाजरीन को बताया है, आप ये बताएं कि इसके बाद आप इसमें क्या डालने वाले हैं। गोश्त डालेंगे। अच्छा, इसमें गोश्त डालेंगे, गोश्त को फ्राई करेंगे इसमें। जी जी। अच्छा, गोश्त फ्राई करने के बाद गोश्त गल जाएगा इसमें पूरी तरह से। जी जी, गोश्त गल जाएगा। इसके बाद फिर टमाटर डालेंगे, सही डालेंगे। अच्छा, बाकी मसाले जो हैं वो डालेंगे। ठीक है। तो जैसे आपने सुना कि महार मोहम्मद यूनिस सियाल भाई बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें डालेंगे, तो आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या क्या इसमें डालेंगे, किस तरह इसको दम देंगे, कब चावल डालेंगे, कैसे गोश्त गलेगा। तो इंशाल्लाह ये पूरी जो है ना रेसिपी आपको दिखाएंगे, आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। तो जी नाज़रीन, प्याज ब्राउन करने के बाद आप मटन जो है ना इसमें डाल चुका है। अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो जी नाज़रीन, ये मटन जो है वो बिल्कुल भुन चुका है जैसे आप देख रहे हैं। अब उसमें दही डाली जा रही है। दही डालने के बाद फिर मसाले भी डालेंगे इसमें। जैसे कि पहले हमने आपको बताया था कि कच्चा मसाला तो पहले डालते हैं, जब घी गर्म होता है तो उसमें डाल देते हैं प्याज के साथ। जो दूसरे मसाले पिसे हुए हैं वो मसाले जो है ना फिर बाद में, जैसे ही अब आप देख रहे हैं कि ये भुन चुका है, भुनने के बाद फिर जो है ना इसमें दूसरे मसाले डालेंगे। ठीक है। तो जी ये अब डाल रहे हैं पुलाव मसाला, स्पेशल पुलाव मसाला है ये, खुशबू के लिए। अब उसके बाद गरम मसाला, ये ग्राइंड करके पिसा हुआ जो है ना वो डाल रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है ये पुलाव, इसकी जो खुशबू आ रही है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप कभी भी मुसफ़ा में आएँ तो यहाँ पे मुसफ़ा 32 में इसका टेस्ट लाजम करें, बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस है यहाँ का पुलाव, बहुत मशहूर है यहाँ पे, लोग बहुत आते हैं खाने के लिए।
दूर दूर से आते हैं। तो अब जो है ना ये हरी मिर्च पिसी हुई वो इसमें डाली जा रही है, ये देख सकते हैं आप। इसको स्पाइसी रखने के लिए जैसे कि दूसरे मसाले डाले थे उसके साथ इसको डाला गया है। ये चार टिक्की जो है वो मैगी की डाली जा रही है वो डाल दी गई हैं। ये नमक डाला जा रहा है देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे जो आपको मटन नज़र आ रहा है माशाल्लाह ऐसे लगता है कि जैसे हमारे देहात में देग का सालन तैयार होता है, सेम उसी शक्ल में ये बना हुआ है और खुशबू इसकी जो आ रही है मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे होते तो आपके भी मुंह में पानी आ जाता, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया जा रहा है। अच्छा, और इसकी जो और एक ख़ास बात है वो ये है कि टमाटर इसमें सबसे लास्ट में डाले जाएंगे तकरीबन। हाँ, अभी ये टमाटर बिल्कुल थोड़ी मिकदार में टमाटर डाले जा रहे हैं, ज़्यादा टमाटर नहीं डाले इसमें। तो अब मैं उस्ताद से पूछूंगा कि ये कितना चावल इसमें डालेंगे? ये इसमें डालेंगे हम 12 किलो चावल। अच्छा, ये 12 किलो चावल, जैसा आपने सुना कि 12 किलो इसमें चावल डालेंगे। और ये मटन इसमें कितना किलो डाला हुआ है? मटन भी 12 किलो डाला है, मटन भी। अच्छा, 12 किलो मटन और 12 किलो चावल इसमें जैसे हमारे उस्ताद बता रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस आपको भी नज़र आ रहा है, मैं तो यहाँ पे बराह रास्त इसको देख रहा हूँ। बहुत बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। तो अब इसमें डाल रहे हैं लास्ट पानी। अच्छा, तो ये हम उस्ताद से थोड़ा सा पूछेंगे कि पानी इसमें आप इसके चावल के मिज़ान के हिसाब से नाप तोल के डालते हैं या पानी अंदाजे से डालते हैं? जी, नाप तोल के डालते हैं। अच्छा, तो ये कितने किलो में कितना पानी डालते हैं? मतलब 12 किलो में 12 किलो ही पानी आता है, किसी में ज़्यादा आता है, 14 किलो आता है, 15 किलो आता है, लेकिन ये जो चावल है ना इसके हिसाब से ना ये पानी बराबर होता है। अच्छा, तो ये अब ये जब बॉयल होगा तो फिर उसके बाद फौरन चावल डाल देंगे आप? जब ये बॉयल होएगा ना इसको फौरन चावल हम डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये आप देख रहे हैं जैसे हमारे उस्ताद ने बताया है कि चावल का जो है ना जितना हिसाब होता है उस हिसाब से ही चावल डाला जाता है। तो अब ये बॉयल होगा, बॉयल होने के बाद इसमें चावल डालेंगे, जैसे चावल डालेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको ये हम दिखाते रहेंगे। तो जी नाज़रीन, पानी जो है डाला गया था वो बॉयल हो चुका है। अब इसमें डाल रहे हैं शिमला मिर्च और धनिया और पुदीना, ये सारी चीज़ें डाली जा रही हैं खुशबू के लिए, मज़ीद इसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं। तो अब तकरीबन थोड़ी देर बाद इसमें चावल डाले जाएंगे। तो लास्ट स्टेज जो है इसकी पानी की, उसमें चावल डाल दिया गया है। अब जी, तो ये चावल डाल दिया गया है। तो हम अपने उस्ताद से पूछेंगे कि कितने टाइम के बाद जो है ना ये इसको आप दम देंगे? सिर्फ 4 मिनट बाद दम देंगे। तो ये उस्ताद कह रहे थे कि तकरीबन 4 मिनट इसको इसी पानी में जो है ना इसको पकाएंगे, फिर उसके बाद इसको बाकायदा तौर पे दम दिया जाएगा। 20 मिनट तक फिर ये रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है, सही है, सही है। अच्छा, तो ये बिल्कुल जो है ना छोटा सा चूल्हा रख देंगे जब इसको दम देंगे। और पुलाव की जो ख़ास बात होती है इसका तकरीबन बनाने का आधा टाइम जो है ना वो दम पे इसका लगता है, क्योंकि इसको दम के ऊपर ही पकाना होता है। जैसे आपने देखा कि गोश्त जो है ना वो फ्राई किया था उसके साथ प्याज के साथ, फ्राई करने के बाद फिर उसकी उसमें जो है ना उसको मसाले वगैरह डाल के फिर डायरेक्ट पानी डाला गया था। तो ये शॉर्ट तरीका है पुलाव बनाने का, इसमें पुलाव अच्छा भी बनता है और दूसरी चीज़ जो है वो पुलाव जल्दी भी बन जाता है। तो अब इसको
थोड़ी देर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको पकाएंगे इसमें, जब दम देंगे तो फिर अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो जी नाज़रीन वेलकम बैक। अब पानी जो है ना वो पूरी तरह से अब सूख चुका है चावल में, और अब आखिरी जो मरहला है पुलाव का वो है दम का। तो दम के बाद फिर ये रेडी हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा उस्ताद ने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है। अब इसको अल्मीनियम फॉइल लगाएंगे, और अल्मीनियम फॉइल लगाने के बाद फिर इसको हल्की आंच पे दम दिया जाएगा। अब बिलआखिर दम की जो है वो तैयारी हो रही है। इसको अल्मीनियम फॉइल के साथ लपेटा जा रहा है, दम पे रखा जाएगा। ये तकरीबन जैसे हमारे उस्ताद ने कहा है कि तकरीबन 20 मिनट के बाद ये फिर रेडी होगा। नाज़रीन बिलआखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। अब जो पुलाव आपने देखा जिस तरह से इसको बनाया गया, बिलआखिर अब उसका दम जो है वो पूरी तरह से खुल चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है उसमें से। आप देख सकते हैं सेम जैसे पाकिस्तान में आप देगों में देखते हैं, सेम वही टेस्ट है, वही जायका है, और चावल भी उसी हिसाब से ही निकला हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, हम दिल से शुक्रगुजार हैं अपने उस्ताद के कि उन्होंने हमें बहुत ही बेहतरीन मालूमात फराहम की, महाज मोहम्मद यूनिस सियाल के। तो दोबारा भी इंशाल्लाह आपके सामने ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ की वीडियोस आप लाते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बग़ैर किसी देर के आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह पाक ने चाह तो फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।